अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी मैं सुबह के नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। मैंने नाश्ते के लिए ग्रोसरी से फिंगर रोल्स मंगवाए थे और मैं अभी चाय बना रही हूँ और इसके साथ जैम और क्रीम है। फिंगर रोल्स को मैं अभी फ्राई कर रही हूँ घी के साथ। अभी नाश्ता रेडी है और आपसे मिलती हूँ दोपहर के टाइम। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, खाने का टाइम भी है, तो मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की सब्ज़ी। अभी आलू को वॉश करके मैं कटिंग कर रही हूँ और उसको कटिंग करने के बाद आप साफ़ पानी में रखिएगा, नहीं तो वो खाली हो जाते आलू। मैंने बैंगन को काट कर नमक और हल्दी के साथ पानी में डिबो के रखा है, नहीं तो वो काले हो जाते हैं ना। मैंने फ्राई पैन को चूल्हे पे रखा है। हाफ कप मैंने ऑयल डाला है, साथ में अनियन फ्राई करूँगी ब्राउन होने तक। मैं इसको चम्मच से हिलाऊँगी। अभी मैं आलू ऐड कर रही हूँ अनियन के ऊपर, इसको साथ ब्राउन प्याज के साथ हल्के ब्राउन करूँगी आलू और अनियन। और साथ में ये बैंगन भी डालूँगी, साथ मिक्स करके हिलाऊँगी। मैं साथ में तीनों चीज़ डालने के बाद मैंने थोड़ा सा स्पून की हेल्प से हिलाऊंगी। इसके ऊपर मैंने अपना स्पाइसेस 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून साबुत धनिया, सॉरी पिसी हुई साबुत धनिया मैंने ऐड की है। फिर मिक्स करना है, फिर कवर करूंगी। तो जी अभी 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा ये वेजिटेबल्स भी थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है, मैं चेक कर रही हूँ। अभी मैं हमारा रेडी है आलू बैंगन, मैं ऊपर हरा धनिया डाल रही हूँ। देखिए जी हमारा आलू बैंगन तैयार है। आलू बैंगन के साथ और साथ में ये सॉसेज फ्राई कर रही हूँ। अभी शाम का टाइम हो चुका है, मैं बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज एयर फ्रायर में बच्चों के लिए।
फ्रेंच फ्राइज़ रेडी हो चुका है। इसको मैं प्लेट पर निकाल रही हूँ और साथ में केचप रखा है। अभी मैं फ्रेंच फ्राइज़ खाने के बाद बाहर आई हूँ थोड़ी देर वॉक करने के लिए। आज का मौसम काफ़ी अच्छा है। ब्लॉग इतना ही। अल्लाह हाफिज़।